everyone and welcome to Mingze Kudan. How are you all doing? I hope you all are doing good. My name is Yashodra Singh Jamwal and welcome to my lecture series. So, guys, this is another practice set. And uh, thank you so much, guys. Lag rahe. Sab itne actively jo hai isme participate. Kar rahe. So thank you so much, and I wish you all the very best for your exam. सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड तो पहला क्वेश्चन जिसको हम आज सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा दैट इज वेयर डिड द फिफ्टींथ ब्रिक्स मीटिंग हेल्ड इन टू थाउजेंड एंड थर्टीन वॉज इट इंडिया साउथ अफ्रीका ब्राजील और चाइना तो देखो दो चीजें समझने वाली हैं एक तो दो हजार तेईस का पूछ रहे हैं फर्स्ट पॉइंट नंबर टू कभी कभी क्या पूछते हैं ना आपको मीटिंग का नंबर भी पूछते हैं ठीक है सो कौन सी मीटिंग थी फिफ्टींथ ब्रिक्स मीटिंग थी राइट right? सो so, हमको पता है कि ब्रिक स्टैंड्स फॉर ब्राजील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका पहले सिर्फ ब्रिक होता था फिर लेटर आउंड जो है आपका साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ गया राइट right? अगर हम बात करें फिफ्टींथ ब्रिक समिट की दो में हुई है दैट वॉज इन साउथ अफ्रीका जो राइट सो जोहान्सबर्ग में हुई है आपकी फिफ्टींथ ब्रिक्स समिट टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी थ्री नाउ दिस टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी थ्री है क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो कितनी कंट्रीज है फाइव कंट्रीज हैं यहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ मेंबर्स हुआ है एक्सपेंशन ऑफ मेंबर्स हुआ है पहले कितने थे पांच मेंबर्स थे अब बढ़ के इलेवन मेंबर्स हो गए हैं तो कौन कौन से मेंबर्स एडेड हैं वो भी याद रखना इट इज इजिप्ट it is iran it is saudi arabia it is uae it is ethiopia and argentina so six, seven, eight, nine, ten, eleven. so these are the new members included in the BRICS. now ye jo एक जो और मेंबर्स इंक्लूड हुए हैं छह मेंबर्स इंक्लूड हुए हैं इनकी जो मेंबरशिप है ना फुल मेंबरशिप वो अभी शुरू नहीं हुई है जो फुल मेंबरशिप है वो स्टार्ट होगी फर्स्ट ऑफ जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर से राइट right? ये याद रखिएगा ओके सो अनदर पॉइंट जो मैं इसमें आपको एक और एडिशन बता दूँ एक और बड़ा कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है समिट्स और मीटिंग्स के बारे में वो है आपका थीम राइट सो इसका 2023 के फिफ्टींथ ब्रिक्स समिट की थीम क्या थी इट वाज ब्रिक्स एंड अफ्रीका राइट पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल मल्टीलेटरलिज्मी थीम ऑफ द फिफ्टींथ ब्रिक समिट राइट अब हम दो हजार तेईस की बात करें तो दो हजार चौबीस में ये ब्रिक्स समिट कहाँ पर होने वाली है इट इज गोइंग टू टेक प्लेस एट कजान विच इज रशिया ठीक है कज़ान इन रशिया वहां पे 2024 की होनी है तेईस की साउथ अफ्रीका में हुई है राइट right? चलो आगे बढ़े सेकेंड हाँ ओके सो सेकेंड क्वेश्चन फॉर टुडे इज इन विच सिटी वाज द इंटरनेशनल ऑर्गेनिक महोत्सव दो हजार ट्वेंट ट्वेंटी इट वाराणसी जयपुर कोची और विशाखापटनम तो याद रखिएगा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनिक महोत्सव था इट हैपन एट वाइजैक या फिर विशाखापट्टनम ठीक है और इसमें बेसिकली किया क्या गया ये जून के महीने में हुआ था आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनिक महोत्सव और इसमें बेसिकली शो केस किए गए थे बेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड एग्री बिजनेस फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड राइट right? सो so, इसमें आपको क्या रखना है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के ऊपर जो है मतलब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के ऊपर जो है इसके ऊपर फोकस किया गया था ठीक है सो दिस वाज योर इंटरनेशनल ऑर्गेनिक महोत्सव नेक्स्ट धरवत पीड़ा हैज गिवन द जीआई टैग फ्रॉम विच स्टेट ओके इज इट तमिलनाडु केरला कर्नाटका और महाराष्ट्र सबसे पहले तो याद रखना ये जो धर्वत पीड़ा है इट इज बेसिकली एन इंडियन स्वीट ये एक इंडियन मिठाई है स्वीट है और यह कहां की है इट इज फ्रॉम कर्नाटका ठीक है सो इसको याद रखिएगा जीआई टैक्स के ऊपर ना बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फाइन ओके फोर्थ क्वेश्चन विच ट्रांजेक्शन इज इंक्लूडेड इन द करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विस एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ गुड्स यूनिलैचुर ऑल ऑफ दी अबव तो ये जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली होता क्या है इट इज़ लाइक अ रजिस्टर राइट इट इज़ अ रजिस्टर ऑफ रिकॉर्ड्स और किस चीज़ के रिकॉर्ड्स होते हैं ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन्स ट्रांजैक्शंस ऑफ अ कंट्री मतलब इंडिया हम बात कर रहे हैं जो ऑफ कंट्री राइट ट्रांजेक्शन ऑफ कंट्री राइट कौन कौन से ट्रांजेक्शन होते हैं ऑल द इनकमिंग एंड ऑल द आउट गोइंग सारे के सारे वो एक रजिस्टर की तरह जो है ये काम करते हैं कितना आया कितना गया कितना लगा सब कुछ सो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सर्विसेज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गुड्स यूनिलैटरल ट्रांसफर ऑल ऑफ द अबब इज दी आंसर सो बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या होता है आपका करंट अकाउंट में दैट इज योर ऑल ऑफ द अबब राइट चलो नेक्स्ट इज विच कमिटी डेल्ट विद पावर्टी लाइन एंड इट्स कॉल कैलक्युलेशन फार्मूला वॉज इट टेंडुलकर कमिटी वॉज इट रंगा राजन कमिटी वॉज इट केलकर कमिटी और वॉज इट रघु राम राजन कमिटी सो याद रखिएगा जो टेंडुलकर कमिटी है ना इट डील्स विद द पावर्टी लाइन एंड इट्स कैलकुलेशन फार्मूला और इस कमिटी ने बेसिकली रिकमेंड किया था कि हमको वी हैव टू बी शिफ्टिंग अवे फ्रॉम कैलरीज मेथर्ड ठीक है सो so, हमको इस मेथड से शिफ्ट अवे करना पड़ेगा दिस वॉज द रिकमेंडेशन ऑफ द टेंडुलकर कमेटी कब आई थी ये कमेटी दो हजार नौ में इसने रिकमेंडेशन मतलब अपनी रिपोर्ट जो है वो पुट फॉरवर्ड की थी राइट अच्छा एक और कमेटी है गडगिल कमेटी जो बहुत आपकी यू नो लाइमलाइट में रही है ये जो गडगिल कमेटी आई है दैट इज रिलेटेड टू योर वेस्टर्न कार्ड का कंजर्वेशन वेस्टर्न घाट कंजर्वेशन ठीक है सो इसको याद रखना ओके नेक्स्ट वॉट इज द कप शेप्ड कप शेप्ड माउथ ऑफ वॉलकैनो कॉल्ड इज इट एपी सेंटर इज इट सिंडर कोन इज इट क्रेटर और इज इट सेंटर ऑफ ओरिजिन देखो कप शेप माउथ ऑफ वॉल्नोज तो ऑब्वियसली एपी सेंटर तो नहीं हो सकता क्योंकि एपी सेंटर इज रिलेटेड टू योर अर्थ क्वेक्स राइट सेंटर ऑफ ओरिजिन नॉट राइट सो इसका आंसर आप याद रखिएगा इट इज योर क्रेटर्स राइट सो क्रेटर बेसिकली क्या होता है जब भी कोई वॉलकैनो होता है ना तो एक सर्क्यूलर जो डिप्रेशन बन जाता है ना उसको हम बोलते हैं क्रेटर ठीक है सो दैट सर्क्यूलर डिप्रेशन कॉज्ड ड्यू टू वॉलकैनोज इज कॉल्ड एज क्रेटर ठीक है बहुत अलग अलग तरह के आपके वॉल कैनोज़ होते हैं आपके फ्लड बिसाल्ट वॉल कैनोज़ होते हैं आपके शील्ड वॉल कैनोज़ होते हैं आपके कैलडेरा वॉल कैनोज़ होते हैं राइट जो कैलडेरा वॉल कैनोज़ होते हैं सबसे ज़्यादा एक्सप्लोजिव होते हैं ठीक है और uh, यही आपको जो है वो याद रखना है ठीक है सो दिस इज़ क्रेटर और जब कभी भी इस डिप्रेशन में पानी भर जाए एंड इट फॉर्म्स अ लेक इट इज कोल्ड एज कॉल्ड एज द क्रेटर लेक ठीक है ओके क्वेश्चन नंबर सेवन प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप इज इन प्रोक्सिमिटी इज कॉल्ड स्टेप फार्मिंग टेरिस फार्मिंग इंटर क्रॉपिंग और बी और सी तो देखो स्टेप फार्मिंग और टेरिस फार्मिंग तो नहीं है इट इज योर इंटर क्रॉपिंग सो जब आप दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को क्लोजली जो है वो अपना प्रैक्टिस करते हो इट इज कॉल्ड एज इंटर क्रॉपिंग ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट मीनिंग ऑफ क्लाउड बर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ आर्टिफिशल क्लाउड अपेयरेंस ऑफ क्लाउड्स इन द स्काई हैवी रेन विद हैवी स्ट्रॉन्ग और नाउन ऑफ दी अबव देखो क्लाउड बर्स्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है बिकॉज ऑफ उत्तराखंड में हमने जो है इंसिडेंट्स देखने को मिले कुछ सालों पहले लद्दाख में भी आया था काफ़ी साल पहले राइट सो बेसिकली क्लाउड बर्स्ट क्या होता है क्लाउड बर्स्ट होता है जब कभी भी बहुत हैवी रेन हो और हैवी स्ट्रोंग आए उसको बोलते हैं क्लाउड बर्स्ट याद रखना क्लाउड बर्स्ट का मतलब ये नहीं है कि बादल फटके नीचे गिर जाता है बादल फटने का मतलब हो गया कि इतना हैवी रेन होता है बहुत शॉर्ट पीरियड में राइट right? बहुत कम पीरियड के लिए इतना एक्सटेंसिवली पानी आता है इतना हैवी रेनफॉल होता है कि इट सीम्स एज इफ क्लाउड जो है वो पूरा का पूरा फटके एक ही जगह पर ही बरस गया है सो so, ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है और कन्फाइंड रीजन तक होता है ये नहीं है कि क्लाउड बस्ट पूरे हिमाचल में आ गया हिमाचल के किसी एक जगह पे आएगा ठीक है उत्तराखंड अगर हम लेते हैं क्योंकि वहाँ पे बड़े क्लाउड बस्ट के इंसिडेंट सामने आए तो क्लाउड बस्ट अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उसमें कैसा होगा कि कम पीरियड के लिए बहुत हैवी रेनफॉल होना स्ट्रॉम्स आना और कन्फाइंड जगह पर आना तब हम बोलेंगे इट इज़ अ क्लाउड बस्ट ठीक ओके नेक्स्ट इज टनल कंप्लीटेड इन 2015 हैविंग सब फोर टनल्स हैविंग डिस्टेंस ऑफ 1.4 पॉइंट किलोमीटर्स आर और इज कॉल्ड एज जेड मॉर टनल जवाहर टनल नंदनी टनल और जोजिला टनल सो देखो शायद आपको ये थोड़ा कंफ्यूजन हो कि पता नहीं कौन सा हो इतना टेक्निकल आपको याद नहीं होगा बट आप इस चीज से समझ सकते हो कि हम किसकी बात कर रहे हैं हम नंदनी टनल की बात कर रहे हैं सो दिस इज बेसिकली टनल विच वॉज कंप्लीटेड इन टू थाउजेंड एंड इसमें जो है चार टनल्स हैं आप आई एम श्योर आप सब उसमें से जरूर गए होंगे ठीक है नेक्स्ट फाइव सीट्स आर एलोकेटेड टू द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन लोकसभा एंड वन सीट टू लद्दाख यूटी अकॉर्डिंग टू विथ सेक्शंस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आपको बताना है कौन से सेक्शन के अंडर इज इट सेक्शन नाइन क्लॉज वन फोर्टीन क्लॉज वन थर्टीन और टेन सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज टेन राइट सो का आंसर क्या हो गया सेक्शन नंबर टेन में बताया गया है कि जम्मू एंड कश्मीर की कितनी सीट्स होंगी लोकसभा में फाइव होंगी और एक सीट होगी लद्दाख यूटी की ठीक है नेक्स्ट इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन फाउंडेड बाय हु बी सी पाल GP, GS, C, स, स, जी पी खर जी एस खरपड़े सी राजगोपालाचारी और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी सो याद रखना दी आंसर इज एस एन बैनर्जी ठीक है एस एन बॉनर्जी बेसिकली या आपके एस एन बैनर्जी और आपके दूसरे थे डब्ल्यू सी बॉनर्जी ठीक है so, सो दिस इज़ सुरेंद्रनाथ बैनर्जी कब बनी थी 1919 में ये बनी थी ठीक है और अगर हम बात करें सत्यन्द्र नाथ बैनर्जी के बारे में सो इन्होंने और क्या किया था इन्होंने 1876 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन बनाया था राइट फिर 1885 में ही वाज वन ऑफ दी क्या कहते हैं आर्किटेक्ट्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस राइट सो इसको याद रखिएगा अच्छा एक न्यूज़पेपर है बंगाली मतलब फ्रीडम uh, स्ट्रगल में आपने पढ़ा होगा बंगाली राइट right? वो किसने लिखा था इट वॉज रिटन बाय गिरीश चंद्र घोष ये आपने पढ़ा होगा पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे ठीक है बंगाली संजीवनी हिताबदी ये वो न्यूज़पेपर्स थे जिन्होंने स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन का काम किया था राइट right? ये जो बंगाली न्यूज़पेपर था ना उसमें एक नेशनल एडिटोरियल लिखा जाता था वो एडिटोरियल लिखने का काम भी एस सी बैनर्जी या सुरेंद्र बैनर्जी करते थे ठीक है ओके ओके ट्वेल्थ क्वेश्चन इज तत्व बोधिनी सभा वॉज फाउंडेड इन विच ईयर एटीन नाइन्टी टू नाइनटीन थर्टी सिक्स एटीन थर्टी नाइन और एटीन फोर्टी थ्री सो इसका आंसर क्या है इसका आंसर है एटीन थर्टी सिक्स ठीक है सो इसको याद रखना 1836 में यहाँ पे एक गलत हो गया ये 1936 नहीं 1836 है 1836 में आपका तत्वबोधिनी सभा जो है वो बना था राइट किसके द्वारा बनाया गया तत्वबोधिनी सभा इट वाज फाउंड बाय देबेंद्रनाथ टैगोर देबेंद्रनाथ टैगोर ठीक है याद रखिएगा एंड हु वाज ही ही वाज फादर ऑफ रबेंद्र नाथ टैगोर राइट और एन थर्टी थ्री में जब राजा राम मोहन रॉय की डेथ हो गई थी उसके बाद ब्रह्मो समाज को लेटर ऑन उनकी डेथ के बाद लेटर ऑन ज्वाइन किया था आपके देवेंद्र नाथ टैगोर ने एंड देन इट वॉज ज्वाइन बाय केशव चंद्र सेन वो सब आपने पढ़ा होगा सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन विच कंट्री लॉन्च सेकेंड सैटेलाइट नूर टू इन टू स्पेस इन मार्च टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू वॉज इट इजराइल यू ए साउदी अरेबिया और ईरान अब देखो ये नूर टू है जो नूर वन था ना वो आपका टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी में आया था ये आपका नूर सेकेंड है राइट ये दो हजार बाईस में जो है इन टू द स्पेस गया है बाय ईरान ठीक है ईरान के द्वारा ठीक है सो याद रखिएगा सेकंड सैटेलाइट वाई बिकॉज पहला नूर वन था इन 2020 क्वेश्चन नंबर फोर्टीन विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड इंडियन रोबोट नेम व्योम मित्र सी पुणे इसरो टीआईएफआर डीआरडीओ तो याद रखना इसका आंसर इज आई एस इसरो ठीक है अब व्योम मित्र क्या है व्योम मित्र बेसिकली एक हाफ ह्यूमनॉइड है आप इसकी फोटो भी एक बार ही देख लेना ह्यूमनॉइड बेसिकली क्या होता है ह्यूमनॉइड का मतलब होता है लुक अलाइक ह्यूमन लुक अलाइक ह्यूमन ये इंसान की तरह ही दिखते हैं राइट सो हाफ ह्यूमनॉइड इसलिए क्योंकि टॉर्सो है शकल है और टांगे वगैरह इनकी इसकी नहीं है इट्स अ रोबोट ठीक है और कौन सा रोबोट है फीमेल रोबोट है ठीक है और ये जो व्यो मित्र है ये बेसिकली यू नो ऑन बोर्ड गगनयान में भी हेल्प करेगा ठीक है गगनयान में भी फंक्शन करेगा ये ठीक है और हेल्प करेगा नेक्स्ट द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय हु मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इन पार्लियामेंट तो इसका आंसर आ जाएगा मेंबर ऑफ दी पार्लियामेंट सो फिफ्टींथ का आंसर क्या है फिफ्टींथ का आंसर आ गया ए ठीक है और अगर हम बात करें वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल की तो उसको इनिशिएट करता है मेंबर्स ऑफ दी राज्य सभा लेकिन अगर रिमूवल करना है तो दोनों हाउसेस से पास होना ज़रूरी है हाउ लोकसभा से ये सिंपल मेजोरिटी से पास होता है ठीक है तो अगर रिमूव करना है तो भी दोनों होते हैं लेकिन इनिशिएट करने के लिए राज्यसभा इज द वन हु इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ रिमूवल राइट रेजोल्यूशन मतलब और इलेक्ट कौन करता है मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इसको इलेक्ट करते हैं ठीक है नेक्स्ट हु इलेक्ट्स मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा द पीपल ऑफ़ द कंट्री लोकसभा मेंबर्स इलेक्टेडर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज़, देखो टू हाउसेज हैं राज्यसभा एंड लोकसभा लोअर हाउस अपर हाउस राइट जो लोकसभा के इलेक्शंस में तो पीपल ऑफ़ द कंट्री करते हैं हम करते हैं लोकसभा इलेक्शन जैसे पिछली बारी भी हमने किए थे अब 2024 में फिर से इलेक्शन होने हैं लोकसभा इलेक्शन राइट सो लोकसभा इलेक्शन में तो पीपल ऑफ़ द कंट्री करते हैं लेकिन राज्यसभा क्या है काउंसिल ऑफ स्टेट्स है तो जो हमारे स्टेट से जो इलेक्टेड होते हैं वही आगे जाते हैं राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए राइट सो लोकसभा इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल एंड राज्यसभा मेंबर्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द इलेक्ट so, करेंगे उसका कोई नहीं बताया कंफ्यूजन इन दोनों में हो सकता है कि इलेक्टेड में सॉरी लेजिस्लेटिव असेंबली के होते हैं कि काउंसिल के होते हैं तो याद रखना दीज आर द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ठीक है ये जरूरी है जो आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंटींथ इज हु अपॉइंट जजिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चीफ जस्टिस और द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया तो याद रखना कौन अपॉइंट करता है सुप्रीम कोर्ट के सो इट इज प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ठीक है अब देखो अब आप ये मत सोचना कि चीफ जस्टिस भी तो होता है ये वो हम इन अकॉर्डेंस या फिर इन कंसल्टेशन नहीं पूछ रहे हम सीधे अपॉइंटमेंट पूछ रहे हैं राइट तो हर चीज में इट इज द प्रेजिडेंट जो अपॉइंट करता है हाउ एवर इन या यू नो विद विशन वो अलग चीज आ गई लेकिन अपॉइंट करते हैं प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया हु इज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू इज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया शी इज द फर्स्ट फर्स्ट ट्राइबल एंड फर्स्ट ट्राइबल वुमेन टू बी द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया एंड शी इज द सेकेंड वुमेन प्रेजिडेंट ओके हु अमंग द फॉलोइंग किंग्स एक्चुअल नेम वॉज मुक्ता पिदा सो इट वॉज दुर्लभ वर्धन ललित आदित्य अवंती वर्मन और परव गुप्ता तो याद रखना दी आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ललित आदित्य बिकॉज इनका पूरा नाम था ललित आदित्य मुक्ता पिदा राइट और ललित आदित्य की अगर हम बात करें तो ये कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे ही बिलोंग टू द कारकोटा डायनेस्टी ठीक है वन ऑफ मोस्ट प्रोमिनेंट किंग्स ऑफ कारकोटा डायनेस्टी नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग क्वींस कॉल्ड चरणहीन इन कलहान इट यशोवती वॉज इट चंद्रलेखा वॉज इट दीदा और वॉज इट कोता रानी सो चरणहीन बेसिकली कलहान की राजतरंगनी में बुलाया गया है दीदा को ठीक है सो दीदा को इसलिए बोला है बिकॉज शी वॉज शी हैड लिटिल लिम्प लिम्प मतलब लंगड़ा के चलती थी वो इसलिए इनको चरणहीन जो है वो कहा गया है राइट सो so, अगर दीदा का पूछा जाए सो so, दीदा को कैथरीन ऑफ कश्मीर भी कहा गया है राइट दूसरी चीज कौन से डायनेस्टी की क्वीन थी गुप्ता डायनेस्टी की कौन से डायनेस्टी की प्रिंसेस थी लोहार डायनेस्टी की ठीक है किससे शादी की थी शेम गुप्ता वाइट ट्वेंटीएथ नेम ऑफ द रिवर विच ऑरिजिनेट फ्रॉम कैलाश कुंड ग्लेशियर ऑफ द डोडा डिस्ट्रिक्ट यह हम पिछले वाली में भी कवर किए थे बट इसमें थोड़ा डिफरेंट सा क्वेश्चन पूछा गया है इज इट तवी इज इट मारू सुधार इज इट जेहलम और इज इट रावी सो कैलाश कुंड ग्लेशियर से ओरिजिनेट करती हैं सूर्य पुत्री दैट इज तवी राइट नेक्स्ट विच इफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज अ स्क्रू हॉर्न गोट इज इट हंगूल इज इट कैप्रा फेलकोनेरी इज इट हिमालयन थार और नन ऑफ दब तो याद रखना इट इज कैप्रा फकुनेरी अब हो सकता है आपने कैपरा फाल्कुनेरी नहीं सुना हो लेकिन आई एम श्योर आपने मारखोर जरूर सुना होगा सो बेसिकली मारखोर इज कॉल्ड एज कैपरा फैल फैल्गू फैल्को नेरी राइट याद रखिएगा इट इज द लार्जेस्ट माउंटेन गोट World's largest mountain goat under threat from poaching. Okay. Fine. So from poaching, uh, po poaching, hunting. राइट right? उसके थ्रेट में ये वाला जो है इट इज द लार्जेस्ट माउंटेन गोट इसके ऊपर मैंने एक वन मिनट डोज भी बनाई थी अगर आप चाहें तो वो जाके भी देख सकते हो बहुत अच्छी वीडियो बनी थी वो ठीक है ओके नेक्स्ट इज एल जी में नॉमिनेट टू वन टू लेजिस्लेटिव असेंबली अकॉर्डिंग टू सेक्शन थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन और सिक्सटीन सो वॉट इज द आंसर द आंसर इज फिफ्टीन इसमें भी समझाने वाला कुछ नहीं है ये कुछ स्टैटिक के पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे ठीक है

और इसको अगर हम बात करें कि, कि किसने इंट्रोड्यूस किया था इसको इंट्रोड्यूस किया था बाय सूफी सेंट दैट इज शाह ए शाह ए हमदानी ठीक है ये इसको आप याद रखिएगा सो दिस इज कहते हैं एक ऐसा कारपेट है जो रोलिंग और प्रेसिंग वूल से बनता है विद द एप्लीकेशन ऑफ मॉइस्चर ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर इज क्रॉप विद टेम्परेचर रिक्वायरमेंट ऑफ ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस नीड्स ओल्ड एलुवियल सॉयल एंड स्टेट्स लाइक कर्नाटका महाराष्ट्र प्रोड्यूस इट ऑन लार्ज स्केल यूएसए लीड्स इट्स प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड कौन सी क्रॉप के बारे में बात हो रही है इज इट कॉफी मेज व्हीट और जूट सो वी आर टॉकिंग अबाउट मेज राइट अगर हम बात करें मेज की तो हाल ही में इंडिया मेज सबमिट हुई थी इंडिया मेज सबमिट हुई थी अभी हाल ही में 2023 में हुई थी और उसमें जो है बताया गया कि अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ग्लोबली इंडिया जो है वो सिक्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ठीक है ऑफ मेज राइट जिस जो बताया गया था बाय द इंडिया मेज समिट ठीक है और यूएसए जो है इसकी प्रोडक्शन में इसको लीड करता है फाइन तो ठीक है सो गाइज थैंक यू सो मच आज के हमारे ये ट्वेंटी फोर क्वेश्चन थे तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपका क्या स्कोर मिला सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड आई विल सी यू गाइज बाय